अनुराग कुछ सोचते हुए खुद से गुस्से के साथ कहता है, प्रशांत भी गायब है और चित्रा भी। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली सही कह रहा था, घर में चोरी नहीं हुई है, बस चोरी होने का नाटक रचा गया है। चित्रा किसी के साथ भाग गई है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत है। चित्रा और प्रशांत के बारे में ये बात सोचते ही अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चित्रा ऐसा कुछ कर सकती है, उसे छोड़कर जाने का इतना बड़ा फैसला ले सकती है। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा ऐसा नहीं कर सकती, उसे जाना ही होता तो बहुत पहले मुझे छोड़कर जा चुकी होती। चित्रा का लापता होना और प्रशांत का उसके फूफा जी के यहाँ नहीं जाना, ये सब बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, चित्रा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, माना वो अब मुझसे प्यार नहीं करती पर युग से तो करती है ना, वो माँ है उसकी, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अनुराग अपने मन को तसल्ली देने लग जाता है कि चित्रा उसे छोड़कर नहीं जा सकती, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि चित्रा प्रशांत के साथ भाग चुकी थी। आखिर उसने भी उन दोनों को कई बार साथ में देखा था, पर अनुराग पूरी तरह इस बात पर श्योर भी नहीं था। घर के बिखरे हुए सामान के बारे में सोचकर उसे ये भी लग रहा था कि चित्रा को किसी ने अगवा किया होगा, वो किसी मुसीबत में होगी। अनुराग खिड़की के पास बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी बस कंडक्टर की आवाज सुनाई देती है, बंगला मुड़ा बंगला मुड़ा बंगला मुड़ा। इसी के साथ बस रुक जाती है। लोगों को बस से नीचे उतरते हुए देख अनुराग अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसका स्टॉप आ चुका था। अनुराग बस से नीचे उतर जाता है और मायूसी के साथ अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ कदम बढ़ाते हुए भी अनुराग चित्रा और प्रशांत के बारे में ही सोच रहा था। उन दोनों को लेकर अनाप शनाप ख्याल उसके मन में बार बार आते जा रहे थे, पर वो था कि सब चीज़ों को नकार रहा था। वो बिना किसी सबूत के चित्रा पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहता था। आखिर एक वक्त था जब वो उससे प्यार करता था और अपने प्यार पर कभी भी कोई कलंक लगते हुए नहीं देख सकता है। प्रशांत और चित्रा के बारे में सोचते हुए ही अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। जब अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ रहता है, एक ऐसा सन्नाटा जो उसे अंदर ही अंदर कहीं मार रहा था। आज कई दिनों बाद अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला था। इसके अलावा ग्रेवयार्ड कोठी में कोई नहीं था। इससे पहले भी वो कई बार ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले रह चुका था, पर आज एक अजीब सी खामोशी ग्रेवयार्ड कोठी में छाई हुई थी। वो खामोशी जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसका दम घोट रही थी। अनुराग को आदत लग चुकी थी ग्रेवयार्ड कोठी में युग और चित्रा के साथ रहने की, और कहते हैं ना हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आदत बुरी चीज़ होती है, एक बार लग जाए तो छुटाए नहीं छूटती है। अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी में चित्रा और युग की कमी खलने लग जाती है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि चित्रा और युग उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में ही थे। जिस जिस जगह पर उसकी नज़र पड़ रही थी उसे चित्रा और युग के साथ बिताए हुए पल याद आते जा रहे थे। अनुराग मायूसी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम कहाँ हो चित्रा, कहाँ हो, ठीक भी हो या नहीं। चित्रा की फिक्र करते हुए ही अनुराग अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आगे बढ़ाते जा रहा था। कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अनुराग चित्रा की याद करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर चित्रा सोया करती थी, वो कमरा जहां पर कुछ रातें उसने और चित्रा ने भी साथ में बिताई थी। अनुराग चित्रा को याद करते हुए कहता है, तुमने सही कहा था चित्रा, एक दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, और देखो वो दिन आ गया जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। हमें हमारी ज़िंदगी में किसी इंसान की अहमियत का अंदाज़ा तब नहीं होता है जब वो हमारे साथ होता है, बल्कि तब होता है जब हम उसे खो देते हैं, वो हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका होता है। और आज अनुराग को भी अपनी ज़िंदगी में चित्रा की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। चित्रा के कमरे में घूमते हुए अनुराग चित्रा की सलामती की फिक्र कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चित्रा के कमरे के बेड पर पड़ती है जिसकी बेडशीट सिमटी हुई थी। वो नोटिस करता है कि बाकी के जो कमरे की बेडशीट थी वो बिस्तर पर से हटी हुई थी, फर्श पर बिखरी हुई थी, बस यही एक कमरा था जिसकी बेडशीट उसके बेड पर सिमटी हुई थी, जैसे वहां पर पहले कोई सोया हो। अनुराग बेडशीट को नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बेड के सिरहाने में जो तकिया रखा हुआ था उस पर पड़ती है। वो देखता है कि तकियों के बगल में ही वहां पर दो मोबाइल रखे हुए थे। अनुराग उन मोबाइल को गौर से देखते हुए कहता है, ये मोबाइल किसके हैं। अनुराग दोनों मोबाइल को अपने हाथ में उठा लेता है और देखता है कि दोनों मोबाइल स्विच ऑफ पड़े हुए थे, कोई भी मोबाइल चालू नहीं था। अनुराग एक मोबाइल को पहचानते हुए कहता है,
ये मोबाइल तो चित्रा का है, पर ये दूसरा मोबाइल ये किसका है? अनुराग दूसरे मोबाइल को गौर से देखते हुए उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये मोबाइल तो प्रशांत का है। अनुराग पूरी तरह श्योर होते हुए कहता है, हाँ ये मोबाइल प्रशांत का ही है, उस दिन मैंने उसके हाथ में यही मोबाइल देखा था। पर ये प्रशांत का मोबाइल यहाँ चित्रा के बेडरूम में क्या कर रहा है? अनुराग सोचने लग जाता है और सोचते ही सोचते उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। अनुराग हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाता है, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, चित्रा प्रशांत के साथ भाग गई है, उसका कोई अपहरण नहीं हुआ, ना ही घर में कोई चोरी हुई है, ये सब उन दोनों की सोची समझी साजिश है। पहले अनुराग को चित्रा का यूं लापता होना और प्रशांत का घर वापस नहीं आना बस एक इत्तेफाक लग रहा था, पर उन दोनों के मोबाइल मिलने के बाद अनुराग पूरी तरह श्योर हो गया था कि चित्रा प्रशांत के साथ भाग गई थी। देखते ही देखते अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया चित्रा, क्यों? अगर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम एक बार बता कर जाती, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका था, मैंने तो कितनी बार तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो जा सकती हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, फिर तुम्हें ऐसा नाटक रचने की क्या जरूरत थी? अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अब मेरी समझ में सब आ रहा है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक अच्छा खासा बनाया हुआ प्लान था, तुमने मुझे युग को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए भेजा पर खुद नहीं आई, मुझे बहाना दे दिया ताकि तुम्हें और प्रशांत को यहाँ पर बुलाने का मौका मिल जाए और तुम बड़े आराम से उसके साथ भाग सको, घर का सारा सामान उलट पुलट कर दिया ताकि मुझे ये लगे कि घर में चोरी हुई है और तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया है, पर गलती से तुम्हारे और प्रशांत के मोबाइल यहीं पर छूट गए और तुम दोनों का सारा प्लान मुझे समझ आ गया। चित्रा के बारे में सोचते हुए ही अनुराग को युग की याद आ जाती है और वो युग के बारे में सोचते हुए कहता है, चित्रा तुमने जाने से पहले एक बार भी युग के बारे में नहीं सोचा कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीतेगी, तुम जिंदगी भर मुझे मतलबी बोलती रही, पर मतलबी मैं नहीं हूं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो और आज भी तुमने अपने बारे में ही सोचा। अनुराग अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहता है, सही कहा था उस आदमी ने कि जो मर्द कमाता धमाता नहीं है दिन भर अपने घर में बैठा रहता है, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, भाग जाती है किसी मर्द के साथ, और देखो चित्रा आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, भाग गई उस प्रशांत के साथ। अनुराग इस बात से उतना दुखी नहीं था कि चित्रा उसे छोड़कर चली गई थी, वो ज्यादा दुखी तो इस बात से था कि चित्रा ने उसे धोखा दिया था, उसकी बदनामी करके वो प्रशांत के साथ भाग गई थी। कहीं ना कहीं अनुराग भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसका प्यार भी चित्रा के प्रति कम हो गया था और वो यक्षिणी से प्यार करता था, अगर वो यक्षिणी से प्यार कर सकता था तो फिर चित्रा प्रशांत से क्यों नहीं। अनुराग दुखी था तो इस बात से कि चित्रा ने एक बार भी जाने से पहले युग के बारे में नहीं सोचा था। अनुराग भले ही यक्षिणी से प्यार करता था पर युग के लिए अनुराग ने वापस से चित्रा को अपना लिया था, पर चित्रा प्रशांत के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चली गई थी। अनुराग गुस्से के साथ खुद से कहता है, तुम्हें उस प्रशांत के साथ अपनी सारी जिंदगी बितानी है ना, तो तुम बिता सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, नहीं ढूंढूंगा तुम्हें, तुम अब अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी उसके साथ बिता सकती हो, रही युग की बात तो मैं अकेला भी उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूँ, आखिर बाप हूँ मैं उसका। अनुराग अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तो पागल ही था जो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया था, मुझे क्या पता था कि तुम अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी हो। अनुराग उस कमरे में लगी चित्रा की तस्वीर को वहां से उतारते हुए कहता है, चित्रा अब तुम गई हो तो फिर कभी वापस मत आना, मैं जिंदगी में फिर कभी तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे छोड़कर नहीं गई हो बल्कि अपने बेटे को भी छोड़कर चली गई हो, जाते जाते तुम सारे रिश्ते तोड़कर जा चुकी हो और आज से मैं भी तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, आज के बाद तुम्हारा ना मेरे साथ कोई रिश्ता है ना मेरे बेटे के साथ। अनुराग गुस्से के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराग गुस्से के साथ भले ही उस कमरे से बाहर निकला हो पर जैसे जैसे वो अपने कदम रूम नंबर 666 की तरफ बढ़ाते जा रहा था उसका गुस्सा शांत होते जा रहा था। वो समझ गया था कि गुस्सा करने से अब कुछ नहीं होने वाला था, चित्रा को उसे छोड़ना था और वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब अनुराग अपने कमरे में पहुंचता है और किताबों को फैला हुआ देखता है तो और ज्यादा मायूस हो जाता है। अनुराग अपने कमरे के अंदर कदम रखते हुए बड़बड़ाता है, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना चित्रा, मेरी किताबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हें मेरी किताबों का ऐसा हाल करने की क्या जरूरत थी, ये तुमने ठीक नहीं किया चित्रा,
बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अनुराग कमरे के अंदर टेबल के पास जो चेयर लगी हुई थी उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। अनुराग देखता है कि बस उसका एक टाइपराइटर ही था जो सही सलामत अपनी जगह पर रखा हुआ था, जिसके साथ चित्रा ने जाते जाते कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। जब अनुराग चेयर के ऊपर बैठता है तो एकदम खामोश हो जाता है। उसे अकेलापन लगने लग जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस जिस से वो प्यार करता था एक एक करके वो सब उसे छोड़कर जा चुके थे। जब वो छोटा था तो उसके पिता गुजर गए और फिर उसके बाद यक्षिणी चली गई। युग को भी उसे ना चाहते हुए हॉस्टल भेजना पड़ा और अब चित्रा जो उसकी पत्नी थी वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो अकेला पड़ गया था, इतना अकेला कि उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उस अंधेरे में वो अपने आप को कहीं गुम होते हुए नजर आ रहा था। वो ग्रेवयार्ड कोठी जो उसे सबसे ज्यादा सुकून दिया करती थी, आज वही ग्रेवयार्ड कोठी उसे काटने के लिए दौड़ रही थी। उसका दम घुट रहा था। उस चेयर पर बैठे बैठे देखते ही देखते अनुराग की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। उसकी आंखें भारी होने लग जाती हैं। अनुराग रोते हुए खुद से कहता है, सब मुझे छोड़कर चले गए, कोई नहीं है मेरे पास, सब चले गए, मैं अकेला पड़ गया यक्षिणी, अकेला पड़ गया। जब दुनिया की मोह खत्म हो जाती है हम अकेले पड़ जाते हैं। उसी के बाद हमें उस शख्स की याद आती है जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, और अनुराग को भी अपने सच्चे प्यार की याद आने लग जाती है, जो वो किसी और से नहीं बल्कि यक्षिणी से करता था। अनुराग को यक्षिणी की याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि एक यक्षिणी थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी, वो अभिशाप जिसके लिए वो सदियों से भटक रही थी उससे मुक्ति पाने के लिए। चाहती तो वो उसको मार भी सकती थी, पर फिर भी यक्षिणी ने उसे नहीं मारा क्योंकि यक्षिणी उससे प्यार करती थी। यक्षिणी ने अपना सब कुछ अनुराग को दे दिया था, बस अनुराग की एक गलती के कारण वो उसे छोड़कर चली गई। अनुराग रोते हुए यक्षिणी को याद करते हुए खुद से कहता है, यक्षिणी एक तुम ही थी जो मुझसे प्यार करती थी, मुझे समझती थी, मेरे दर्द को अपना मानती थी, पर तुम भी चली गई। वापस आ जाओ यक्षिणी, वापस आ जाओ, अपने लेखक बाबू को माफ कर दो यक्षिणी, माफ कर दो। अनुराग यक्षिणी को याद करते हुए सिसकियां भरते हुए रोते जा रहा था। मर्द तब नहीं रोता जब वो जिंदगी से हार जाता है, मर्द तब रोता है जब वो प्यार में हार जाता है, और आज अनुराग भी प्यार में हार गया था। अनुराग फिर रोते हुए कहता है, देखो मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ यक्षिणी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ यक्षिणी, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, वापस आ जाओ। अरे चित्रा ऐसा क्यों कर रहे है यार? तो बेचारा अनुराग
किया भाई। चलो वो लगा।